हेमंत सोरेन ने झारखंड में जारी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। सीएम ने पूछा है कि अब तक की कार्रवाई में आखिर क्या मिला है, क्या हासिल हुआ है। वहीं अनगढ़ा खनन लीज मामले पर सीएम ने कहा कि बीजेपी तिल का ताड़ बना रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई पर सीएम ने उठाए सवाल। सीएम ने पूछा अब तक की कार्रवाई में क्या मिला, केस में इन्होंने क्या पाया, क्या प्रगति है, क्या स्थिति है। मनरेगा के रास्ते झारखंड में घुसा प्रवर्तन निदेशालय। मनरेगा घोटाले से जुड़े लोगों से क्यों नहीं हुई पूछताछ। घुसे जरूर है मनरेगा के रास्ते, लेकिन ये जाना चाहते हैं कहीं और। ईडी की कार्रवाई से एतराज नहीं, लेकिन मंशा पर सवाल। हमारा कोई एतराज नहीं है उनके पीए से, छानबीन से, लेकिन उनके कार्यकलापों से उनकी मंशा कुछ और दिखती है। करप्शन के खिलाफ ईडी ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई की है। पूजा एंड कंपनी शिकंजे में है, लेकिन अब ईडी की कार्रवाई पर सीएम हेमंत सोरेन ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा है कि आखिर ईडी की अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ हासिल हुआ। सीएम ने कहा कि ईडी ने मनरेगा घोटाले की जांच शुरू की थी, लेकिन अब तक इस घोटाले से जुड़े लोगों से पूछताछ क्यों नहीं हुई। उन्होंने ईडी की कार्रवाई की मंशा पर सवाल उठाए। मुझे लगता है ये 20-25 दिन होने जा रहे हैं, ये सब चहलकदमी होते हैं, और इतने दिनों में अभी तक ईडी के वेबसाइट पर ना सार्वजनिक रूप पर एक भी बातें देश की जनता को ना नहीं बताई, ना बता पाने में सक्षम हो पाई कि इसमें इन्होंने क्या पाया, क्या प्रगति है, क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री ने जेएसएमडीसी के बहाने भी बीजेपी पर निशाना साधा। जेएसएमडीसी खनिज निगम को बीस साल के कार्यकाल में पहला राजनीतिक व्यक्ति उसमें उसका चेयरमैन बना, वो भी भारतीय जनता पार्टी का, पहली बार। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। अनगढ़ा खनन लीज विवाद पर बोले सीएम। सीएम ने कहा तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। हम पर ये आरोप लगाते हैं कि हमने स्टोन चिप्स का मात्र 0.88 डिसमिल का घोटाला किया। अरे मुख्यमंत्री को घोटाला करना पड़ेगा तो मात्र 80 डिसमिल के लिए, और ये तिल का ताड़ बना के चल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम ने कहा हमारा बाल बांका नहीं कर सकती बीजेपी। ये हमारी सर के एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। मैं आपको नक्सल में पूरी बात बता दू, हम लोग उसी रंग से सरकार चलाते भी हैं, और सरकार पे नहीं भी रहते हैं तो हम लोग उसी रंग में रहते हैं। प्रेम प्रकाश पर भी बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम ने प्रेम प्रकाश को पहचानने से किया इनकार। सीएम ने पूछा कौन है प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश का मामला सामने आया। कौन है ईडी गिरफ्तार किया विदाउट एनी, वो किसी पद पर रहते हुए गार्ड का। ईडी के साथ क्या है कि आज चूंकि सरकार कई राज्यों में अलग अलग तरीके से व्यवहार करती है, हम इनको देख रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। नहीं, बिल्कुल सही कहा है मुख्यमंत्री जी का, हम लोग क्यों कुछ बिगाड़ेंगे, हम उन्हें सत्ता से बाहर करेंगे, जनता के बीच उनके झूठे वादे इन विषय को लेके जाएंगे। जो उन्होंने जनता से आश्वासन दिया था कि मैं सत्ता में आते ही 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, 24 घंटे बिजली दूंगा, घर घर पानी पहुंचाऊंगा, इस प्रकार के जो लोक लुभावने झूठे वादे करके वो आए थे, उन वादों को मैं भारतीय जनता पार्टी जनता को याद दिलाएगी और जनता भी गाड़ेगी उनको, जनता उनको सत्ता से बाहर करेगी। भ्रष्टाचारियों पर ईडी शिकंजा कस रही है।
ऐसे में सवाल ये कि आखिर करप्शन पर कार्रवाई पर सियासत क्यों? न्यूज 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर सिंह के साथ रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।